So hello students, I am Manish sir from Catalyst Classes Silva sir. Today we are going to discuss class 10th maths and our chapter will be linear equation in two variable. So we will solve equation today by the method of cross multiplication. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला सेटअप समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे रहेगा हमारा. तो ये आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा होगा हमेशा इक्वेशन जो हमारा होगा हमारा वो इस फॉर्मेट में होगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो. हमेशा इक्वेशन जो लिखने हैं हम लोगों को इसी फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, अब देखो आप इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, x, y और 1 लिख लेना है. ठीक है, एक सीक्वेंस याद रखिए, फिर b, c, a और ये b, ये सीक्वेंस याद कर लो, b, c, a और ये b. ठीक है, ये हो जाएगा b1, c1, a1, b1, ये b2, c2 और ये हो जाएगा हमारे पास a2 और ये b2. ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया. अभी नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, x अपॉन b1 c2 को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और b2 c1 को मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है और x के नीचे लिख देना है. तो b1 c2 माइनस c1 b2 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा ये y, ये हो जाएगा हमारे पास c1 a2, c1 a2 हो गया यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू वन अपॉन, फिर ये हो जाएगा हमारे पास ए वन बी टू माइनस बी वन और ये ए टू. ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है. ठीक है, ये सीक्वेंस हम लोगों में इस ऑर्डर में लिख लेंगे. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए तीनों एक दूसरे से इक्वल है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू इज इक्वल टू यहाँ पे पहले लेते वन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू. ठीक है, फिर जब इस वैल्यू को हम लोग इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन और ए टू. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया x की वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया x की वैल्यू निकालने के लिए. अब नेक्स्ट देखो आप कि नेक्स्ट क्या, अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास y c1 a2 माइनस c2 a1, इसको क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन a1 b2 बी टू माइनस बी वन ए टू से इक्वेट कर देंगे. ठीक है, तो अभी देख लिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर लेते तो ये हो जाएगा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन. ठीक है, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू माइनस बी वन ए टू. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगा. तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रख सकते हैं या जिस रूल से मैंने बताया इस रूल से आप डेवलप भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए. नेक्स्ट ये है कि अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा हमको इस फॉर्मेट में, ठीक है, तो हमको पहले स्टार्टिंग में ही देख के चेक कर लेना है कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन मतलब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन मिलता है तो यूनिक सॉल्यूशन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर यहाँ पे क्या है इक्वल टू इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब डेवलप होंगे, ठीक है, और नो सॉल्यूशन कब डेवलप होगा. तो सबसे पहले देखिए आप ये जो वेरिएबल्स है, ठीक है, ए वन बी वन सी वन ये आपको लिख लेना है, ए टू बी टू सी टू आपको लिख लेना है. इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला कंडीशन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का, इसको आप लोग नोट डाउन करते भी जाइए बहुत हेल्प आएगा आप लोगों को. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का हो गया. तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन ये है कि ए वन अपॉन ए टू का रेशियो इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू का रेशियो. अगर ये रेशियोज हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है, ये रेशियोज अगर हमारे इक्वल नहीं है तो ये क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन
एग्जिस्ट, ठीक है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड। तो सेकंड में अब आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, दोनों लाइन ओवरलैप हो रहा होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो उसका कंडीशन ये है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू क्या है, सी वन अपॉन सी टू, ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया। तीसरा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होगा एंड नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ये याद रखना है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हम आपको, ये एक्स वाई के लिए दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए और ये कंडीशंस ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पीडीएफ फॉर्मेट निकाल लिया है, हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है, तो एक एक करके हम सारे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तो हमारा जो पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हम उस पर आते हैं, एग्जांपल 14 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल 14 हो गया हमारा, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या, देखो, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ यू बाई टू टिकट्स टू मलेश्वरम, ठीक है, हम एग्जाम्पल 14 की बात करेंगे अभी, ठीक है। एग्जाम्पल 14 की बात करते हैं, तो फ्रॉम अ बस स्टॉप इन बेंगलोर इफ यू बाय टू टिकट्स टू मलेश्वरम एंड थ्री टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज ₹46, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले लेना पड़ेगा लेट कॉस्ट ऑफ टिकट्स, लेट कॉस्ट ऑफ टिकट्स टू मलेश्वरम, मलेश्वरम बी एक्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टिकट्स क्या क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्स ले लेते हैं मलेश्वरम के लिए, एंड यशवंतपुर बी वाई, हमने एक्स वाई ले लिया। अभी देखिए टू टिकट्स टू मलेश्वरम, तो मलेश्वरम का कॉस्ट क्या हो जाएगा 2x, एंड थ्री टिकट्स टू यशवंतपुर तो ये क्या हो जाएगा 3y, पे कितना करना पड़ रहा है 46, ये हमारा इक्वेशन आ गया इक्वेशन वन, ठीक है। नेक्स्ट जो है बट इफ यू बाय थ्री टिकट्स टू मलेश्वरम, तो मलेश्वरम का तीन टिकट कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x प्लस, एंड फाइव टिकट्स टू यशवंतपुर का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5y, तो कितना पे करना पड़ेगा इसका ₹74 पे करना पड़ेगा, ये इक्वेशन टू हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देख लो आप लोग। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको इन इक्वेशंस को हम लोगों को इस फॉर्मेट में लिखना है, ये फॉर्मेट आपको समझा दिया था मैंने, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट एक बार देख लीजिए आप, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो ये हमारे पास, सॉरी ये क्या करते हैं इसको माइनस 46 लिखना है अपने को, माइनस 46 इक्वल टू जीरो, ठीक है, हमने इसमें लिख लिया। दूसरा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन 3 और ये 4, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अभी वही चीज़ हमने किया था एक्स वाई और ये 1, और मैंने सीक्वेंस क्या बोला था, बी सी ए बी मैंने बोला था सीक्वेंस, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वैसे ए वन की वैल्यू क्या है, ए वन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ए वन की वैल्यू जो है वो है 2 है, ए वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 है ए वन का वैल्यू, बी वन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, सी वन का वैल्यू कितना है माइनस 46 है, ठीक है। नेक्स्ट इस तरीके से ए टू का जो वैल्यू है वो है 3, बी टू का जो वैल्यू है वो है 5, और सी टू का जो वैल्यू है वो क्या है माइनस 74, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अभी एक्स वाई वन, तो सीक्वेंस क्या था, बी सी ए बी, तो बी वन सी वन, ठीक है, तो बी वन सी वन फिर ए वन और ये बी वन, ठीक है, तो बी सी ए बी,
बी वन सी वन ए वन बी वन, ठीक है, फॉर्मेट आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से वापस बी बी टू का वैल्यू क्या है, फाइव, सी टू का वैल्यू कितना है माइनस, सी टू का वैल्यू कितना है माइनस 77 है, माइनस 74 है ये, ठीक है। तो सी टू का वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस 74, और ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, x अपॉन, ठीक है, 3 इंटू माइनस 74, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 46 इंटू 5, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू y अपॉन, नाउ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 46 इंटू 3, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 74 इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में अगेन 2 इंटू 5 और माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अभी नेक्स्ट क्या होगा, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है, तो 222 आ जाएगा, माइनस 222 आ गया, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 6 5 30 हो जाएगा 320, और ये क्या हो जाएगा 230, इक्वल टू वाई, वाई अपॉन माइनस 138, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 8, और ये हो जाएगा 14, 148 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 9, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा अभी, इसको आप लोग एक बार यहाँ पे देखिए, ये बी सी ए भी तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे माइनस 46 इंटू 3, अच्छा ये हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाना है, यहाँ पे प्लस आ जाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आया, अभी x अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 138, यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x बाय 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, एंड y बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो हमने x किसका माना था, हमने मल्लेश्वरम का क्या x माना था एंड यशवंतपुर का y माना था, तो देयरफोर हमने सॉल्व कर दिया है, तो देयरफोर कॉस्ट ऑफ टिकट टू मल्लेश्वरम बी 8 रुपीस एंड यशवंतपुर बी रुपीस 10, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट है और ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं या एक बार साथ भी देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एग्जाम्पल नंबर 15 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिए आप लोग क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, पी की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ है, ठीक है, मैंने कंडीशन बताया था आप लोगों को कि यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, या एक मिनट रुक जाइए, मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रब कर लिया है हमने। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द लीनियर इक्वेशन गिव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन बताया था, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एग्जांपल 15 की, ठीक है, एग्जांपल 15 की बात कर रहे हैं।
एग्जाम्पल 15 की बात कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या था, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये कह रहा है p के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन, p के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अभी आप देख लो a1 कंपेयर कर लेंगे आप, तो a1 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे p, फिर a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमको क्या करना है, इस वाली क्वेश्चन को पुट करना है। तो अभी a1 की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4, a2 की जगह लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, नॉट इक्वल टू क्या है p अपॉन 2, तो ये कैंसिल होकर क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो p नॉट इक्वल टू 4। तो अगर हम p की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं लेंगे, तो अगर p की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग 4 के इक्वल नहीं लेंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो एग्जांपल 15 भी हमारा डन हो गया, ठीक है, एग्जांपल 15 भी डन हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एग्जांपल 16 की। तो अगेन मैं यहाँ पे रबर लेकर इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग नो सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो नो सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो क्या कंडीशन आएगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वही चीज़ क्या करना है आप लोगों को, कि अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोलना है तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू इक्वल टू c1 by c2, तीनों एक दूसरे से इक्वली होंगे, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 पे। एग्जाम्पल 16 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर ठीक है कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, कंडीशन हुआ। अभी नेक्स्ट देखिए आप, इक्वेशन क्या हमारे पास, इक्वेशन ये रहा kx प्लस, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है कंपेयर करके निकाल लेते हैं k, b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और c1 का वैल्यू क्या है माइनस के माइनस 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे a2 का वैल्यू है 12, b2 का वैल्यू है k और c2 का वैल्यू है माइनस k, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो हमने डेवलप कर लिया है यहाँ पे, तो a1 की जगह क्या आ गया k by 12, b1 की जगह क्या आ जाएगा 3 और b2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस k। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k by 12 इज इक्वल टू 3 by k, यानी क्या हो जाएगा k square इज इक्वल टू 36, यानी k इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 6 आ गया। तो k की वैल्यू अगर प्लस माइनस 6 रहेगी, एक तो अगर k की वैल्यू प्लस माइनस 6 रहेगी तो भी क्या मिलेगा हमको, इन्फिनेट सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखिए, अब इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बाई के, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, तो k माइनस 3 बाई क्या हो गया k हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, इधर आके क्या हो जाएगा ये 6k इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। तो 6k इज इक्वल टू के स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक मिनट थोड़ा रब कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये चीज हुआ, तो अभी क्या है यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू जीरो हुआ, k ले लेते हैं यहाँ पे, तो k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर k जीरो होगा, क्योंकि देखिए अब दो नंबर है,
दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब या तो k का वैल्यू जीरो होगा या k माइनस सिक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए k का क्या है प्लस माइनस सिक्स और यहाँ पे क्या है k जीरो या सिक्स। तो अब इनमें से कॉमन सोल्यूशन क्या है हमारे पास, कॉमन सोल्यूशन क्या है सिक्स एज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एज k इज इक्वल टू सिक्स सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस। ये क्या है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। तो एक्सरसाइज पे जब मूव ऑन करेंगे हम लोग तो पहले क्वेश्चन से डिस्कस स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। ठीक है, आप हर क्वेश्चन पे ध्यान देना और कोई डाउट अगर आप लोगों को आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग उसको आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ कंडीशन बताना है। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, इनकेस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर यूनिक सॉल्यूशन है देन ओनली सॉल्व करना है, उससे पहले सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पहला ले लिया हमने। नेक्स्ट क्या है कि पहला लिख लिया क्वेश्चन, इक्वेशन वन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इक्वल टू, ये इक्वेशन टू हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन लिख लिए हमने। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि देखिए a1 वन अपॉन ए टू, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे कि a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 3 है, ये सब आपको इससे पता चल जाएगा सिर्फ इक्वेशन देखने से। तो a1 क्या है 1 और ये क्या है 3। ठीक है, b1 वन बाई बी टू, तो b1 क्या है माइनस थ्री माइनस नाइन, तो ये अगेन क्या हो गया 1 बाई थ्री, और c1 वन बाई सी टू क्या हो गया माइनस थ्री बाई माइनस टू, दैट इज 3 बाई टू आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे कि नाउ ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, नॉट इक्वल टू क्या है सी वन बाई सी टू, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सी नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ऐसा हो रहा है। और ये किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का। देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा बस। तो यहां पर हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमने डन कर लिया। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेता हूं यहां से। तो सेकंड हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट का सेकंड है ये। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन जो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू फाइव और 3x प्लस 2y इक्वल टू एट। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि हमेशा हमको इक्वेशंस अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है तो हमको इक्वेशन किस फॉर्मेट में चाहिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में चाहिए। और ये जो हमारा इक्वेशन है उस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, फिर थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, इसको नाम दे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर नाम दे देते हैं। ठीक है, मेनली जो हमको सॉल्व करना है वो क्या करना है, इक्वेशन। ठीक है, हमको क्या करना है, इक्वेशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगेन सबसे पहले चेक करना है अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देन ओनली हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हम क्या ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू देख लेते हैं। तो ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू क्या है, टू बाई थ्री। ठीक है, ये हमारा ए वन है और ये हमारा a2 है, तो ये हमारे पास क्या आया, 2 बाई थ्री आया। नेक्स्ट जो है b1 वन अपॉन बी का वैल्यू ले लेते हैं, तो ये क्या 1 बाई टू आया। तो यहीं से आप लोगों को दिख रहा है कि a1 वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 वन अपॉन बी। ठीक है, a1 वन अपॉन ए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, b1 वन अपॉन बी। जब ये नॉट इक्वल टू b1 वन बाई को, तो क्या होगा यहाँ पे, देयर देखो क्यों, क्यों 2 बाई थ्री इज नॉट इक्वल टू 1 बाई ना, 2 बाई थ्री जो है 1 बाई टू के इक्वल नहीं है। सो क्या होगा, सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहां पे,
तो हमको क्या करना है अब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बताया था अभी, x और ये y और ये 1, हमेशा क्या करना है, ये चीजें लिख लेनी है आप लोगों को, ठीक है। क्या क्या लिख लेना है, एक्स वाई वन लिख लेना है। एक्स वाई वन लिख लेने के बाद, ठीक है, एक्स वाई वन लिख लेने के बाद हमको क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट क्या था, बी सी ए बी। तो बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है हमारे पास, एक काम करता हूँ मैं फॉर्मेट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, बी वन सी वन ए वन बी वन, और ये क्या है, बी टू सी टू ए टू और बी टू, यही फॉर्मेट था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, तो यहाँ पे अभी वापस देखिए, x, y और ये 1। एक काम करें, काम ये करते हैं कि हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, तो मैंने ब्लू पेन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ब्लू पेन सेलेक्ट कर लिया। अभी बी वन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, बी वन का वैल्यू है 1, सी वन का वैल्यू क्या है, -5, ए वन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और बी वन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। एक बार चेक कर लीजिए, बी वन 1 है, सी वन -5 है, ए वन हमारे पास क्या है 2 है, और जो बी वन है अगेन 1 है। अभी नेक्स्ट बी टू पे आते हैं, तो बी टू क्या है हमारे पास 2, सी टू क्या है -8, ए टू की जो वैल्यू है, ए टू की जो वैल्यू क्या है 2, और बी टू का जो वैल्यू है, ए टू का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3 है, ये ए टू का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और बी टू का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो अगेन 2 -8 3 और ये 2, ठीक है, ये हो गया, डेवलप हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो अगेन क्या हो जाएगा, 1 × -8, मैं डायरेक्ट यहाँ पे -8 लिखता हूँ माइनस। अभी 2 × -5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -5 × 3 क्या हो जाएगा, -15, और -8 × 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -16, बीच में माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई, और अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 क्या हो गया 4, और 3 × 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन हो जाएगा हमारे पास -8 + 10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 इज इक्वल टू 1। सो x बाई 2 आ गया ये, और -15 + 16 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1। अभी नेक्स्ट हमको इन दोनों को इक्वल कर देना है, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड y बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे तो हमको वैल्यूज क्या मिल जाएगा, हमको वैल्यूज मिल जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2 हो गया, और y इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, थोड़ा और आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। हमने क्या किया अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी का, अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसको क्या रब भी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ भी टॉपिक इसमें डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे वहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, तो पहले अभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, ये हमारा अगेन फर्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, ये हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन। तो अगेन सबसे पहले क्या करना है आपको, कंडीशन चेक करना है, ठीक है, कि सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फिनिट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 का वैल्यू क्या हो गया 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू हो -5/10, -5 / -10, तो अगेन 1/2। c1 अपॉन c2 ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 40, अगेन 1/2। तो अभी तीनों से हमको क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या है c1 अपॉन इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। कंडीशन सबका तीनों का 1/2 1/2 है, जब तीनों का 1/2 1/2 है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ ये लिख देना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन डन कर लिया हमने, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी फर्स्ट का फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस थ्री वाई -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है 3x माइनस 3y -15 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, x माइनस 3y -7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y -15 इक्वल टू 0, क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले वापस हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगेन देख लो यहाँ पे a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है वो क्या है 1/3 है, ठीक है। b1 अपॉन b2 का वैल्यू है, तो ये -3 -3 पुट ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देयरफोर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और हम लोगों को क्या है इसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है इसके बाद ही सॉल्व करना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यू नॉट इक्वल टू है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग को वापस सॉल्व कर अभी सॉल्व करना पड़ेगा तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड होगी क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। तो अभी वापस हम लोग ये करते हैं, xy1 हमेशा एक याद रखना है, xy1 लिख लेना है, ठीक है। xy1 लिखने के बाद, ठीक है, xy1 लिखने के बाद क्या करेंगे हम, abc का वैल्यू नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए a का वैल्यू, सॉरी, ये bcab का फॉर्मेट है, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो अगेन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये b1 c1 a1 और ये b1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे b2 c2 a2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे b2, ठीक है। तो b1 की जो वैल्यू है, b1 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। b1 की जो वैल्यू कितनी है वो -3 है, c1 की जो वैल्यू है वो है -7, a1 की वैल्यू अगेन 1 और b1 क्या हो जाएगा -3, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है -3, c2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -15, a2 क्या हो जाएगा यहाँ पे a2 हो जाएगा यहाँ पे अगेन 3 और b2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अभी x अपॉन करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन्हें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू -15 क्या हो जाएगा +45,
बीच में माइनस आ गया, फिर माइनस थ्री माइनस सेवन तो ये हो जाएगा प्लस 21, तो बीच में 21 आ जाएगा। फिर y, ये दोनों भी मल्टीप्लाई किया हमने, अभी नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेवन इंटू थ्री माइनस 21 आ जाएगा, बीच में माइनस आना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा, तो ये माइनस 15 आ गया इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 1 इंटू माइनस 3, फिर ये माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू माइनस 3, ठीक है। तो एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा 20, 45 माइनस 21 करेंगे तो 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वाई अपॉन माइनस 21 प्लस 15 हो जाएगा, ये 1 माइनस 3 और ये माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 24 वाई अपॉन माइनस 21 प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 और ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 12। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे x, अब इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, किस किस को, यहाँ पे x अपॉन 24 और माइनस 1 अपॉन 12 को। तो x अपॉन 24 ले लिया इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 12, फिर y अपॉन माइनस 6 को 1 माइनस 12 के बराबर ले लेते हैं क्योंकि इक्वल ही है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 24 अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई, माइनस 2y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस 2y। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ इशू हो गया है, उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं पहले। माइनस थ्री ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री प्लस नाइन हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये क्या आएगा हमारे पास, सिक्स आ जाएगा ये, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो एक्स ये हो जाएगा एक्स बाय 24, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिक्स, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा यहाँ पे सिक्स, ठीक है। तो x बाई 24 इक्वल टू 1 बाई 6 और x बाई 24 इक्वल टू 1 बाई 6, तो 24 ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, तो 24 बाई 6 कितना हो जाएगा, ये 24 बाई 6 आ जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का आप लोगों को भी, तो हमारे पास x इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। तो इसके साथ ही हम लोगों ने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, ठीक है, फोर्थ बिट कंप्लीट हो चुका है, अभी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या बाकी जो क्वेश्चन है इसके भी सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक क्या करना है, आप लोगों ने चीजें तो सीख लिया है, आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे, फिर जब हम सॉल्यूशन अपलोड करेंगे तो उससे आप लोग क्या उसको मैचअप कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।